निवेदिता। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। मुद्दा चाहे कोरोना वायरस का हो, सेना से जुड़ा हो, किसी की मदद करना हो, महिंद्रा समाज से जुड़े हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर अपनी राय रखते हैं। तो वहीं जरूरतमंदों की मदद भी करने से पीछे नहीं रहते। उन्होंने तो अपने व्हाट्सएप पर वंडर बॉक्स ग्रुप भी बनाया है, जहां एक से बढ़कर एक फनी तस्वीरें आती रहती हैं, जिसे वो अपने फैंस के साथ भी शेयर करना नहीं भूलते। शुक्रवार को भी उनके व्हाट्सएप के वंडर बॉक्स में एक ऐसी ही तस्वीर मिली, जिसमें उनकी अपनी कंपनी की स्कॉर्पियो किसी भैंस की तरह पेड़ में बंधी नजर आई। उन्होंने ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की और बताया कि पेड़ पर बंधी कार ने उन्हें लॉकडाउन की याद दिला दी। दरअसल ये बात तो आप भी जानते हैं कि महिंद्रा कंपनी क्या कोई भी कंपनी अगर कार बनाती है तो उसमें हाईटेक लॉकिंग सिस्टम भी देती है, लेकिन जिस तरह से स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को पेड़ से बांधा गया है, ये देखकर खुद आनंद महिंद्रा भी चौंक गए, क्योंकि ये उन्हीं की कंपनी की गाड़ी है। महिंद्रा ने ये फनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, ये हाईटेक लॉकिंग सिस्टम का समाधान तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये गाड़ी के मालिक की पजेसिवनेस को दिखाता है। लॉकडाउन की वजह से लंबे समय तक घर में कैद रहने वाले आनंद महिंद्रा ने यह तस्वीर देखकर कहा कि मेरे लिए तो ये तस्वीर पूरी तरह ये बता रही है कि लॉकडाउन के दौरान मैंने कैसा महसूस किया। इस हफ्ते के आखिर में मैं लॉकडाउन की वो चेन तोड़ने जा रहा हूँ अपने मास्क के साथ। महिंद्रा के ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इस कार ने घोड़े की जगह ले ली है। पहले गरीबों के पास घोड़े होते थे और अमीरों के पास कार, लेकिन अब सिर्फ अमीरों के पास घोड़े हैं और गरीबों के पास कार। एक और ट्विटर यूजर ने अलार्म लॉक की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखा, नहीं सर, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अलार्म लॉक किया गया है। अगर आप चेन को छूते हैं तो आप चेन तोड़ते हुए पकड़े जाएंगे। राकेश नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, डियर सर, आप चेन तोड़ने की कोशिश करने क्यों जा रहे हैं? ताला क्यों नहीं खोल लेते? आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर ऐसे ही कई फनी कमेंट्स आए हैं, लेकिन उनके इस ट्वीट से आप ये भी समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लागू होने वाले लॉकडाउन में आनंद महिंद्रा भी घर पर रहकर कितने बोर हो गए थे और इस वीकेंड वो अपने मास्क के साथ बाहर कहीं घूमने जाने वाले हैं। मुंबई में काबू में आया कोरोना। कोरोना वायरस ने अगर किसी शहर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो मुंबई है, जहां शुरू से ही कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। हालांकि अब बीएमसी दावा कर रही है कि मुंबई में कोरोना वायरस काबू में आ रहा है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने यह दावा किया है कि उसने 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच मुंबई में कोरोना की स्थिति का आकलन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि महानगर में कोरोना की ग्रोथ रेट, डबलिंग रेट, डेथ रेट सब में सुधार हुआ है। 24 घंटों में 706 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, जो 2 महीनों में कोरोना के मामलों की सबसे कम संख्या है। हालांकि राहत भरे इन आंकड़ों के साथ साथ बीएमसी ने चेतावनी भी दी है कि दिवाली के बाद सर्दी के दौरान कोरोना की नई लहर दिख सकती है, ऐसे में पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बता दें, मुंबई में मामले घटने का दौर जुलाई से अगस्त महीने में भी देखा गया था, लेकिन सितंबर से अक्टूबर से बढ़े मामलों ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है।